प्यारे बच्चों, आज हम इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स का पाठ पढ़ेंगे, जो चैप्टर 3 है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। पिछले अध्याय में हम स्वतंत्र चरों के बारे में पढ़ा था, और इस अध्याय के अंदर हम जो भी पूरा पढ़ने से पहले दो तीन फार्मूला हैं उनको हम करेंगे, और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। पहला फार्मूला आता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये उसका पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। तो ये आपका सूत्र है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, दिस एफ एक्स जीरो, और आपका ये है। फिर हमने क्या किया, हमने माना कि चर एक्स है जिसके मान एन प्लस वन तक हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन हो गए, और एफ एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एफ एक्स जीरो, एफ एक्स वन, एफ एक्स एन। हमने एक पॉलिनोमियल माना कि एफ एक्स ये है ए जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन, ए वन के ये हो गए, ए एन के ये हो गए। अब इसके अंदर हमको किसके मान ज्ञात करने हैं, हमको मान ज्ञात करने हैं ए जीरो, ए वन, ए एन के, ठीक है। अब ये देखो, अब पहले हम इसमें एक्स बराबर एक्स जीरो 3.1 में रखेंगे, तो हमारे पास क्या जो वैल्यू आ जाएगी, ए जीरो की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे 3.1 में, एक्स एक्स बराबर एक्स वन रखेंगे, फिर ए वन की आ जाएगी, फिर हम एक्स टू रखेंगे तो ए टू की आ जाएगी, फिर हम एक्स एन रखेंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार हमारे पास ए जीरो, ए वन, ए टू और अप टू ए एन की वैल्यू जाएगी। ये वैल्यू सारी उठा करके इसमें रख दीजिए, इसके अंदर 3.1 के अंदर रखिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लैग्रेंज फार्मूला। तो लैग्रेंज फार्मूला को आपको वर्बली भी याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपका फार्मूला ड्राइव होगा, देखें ये, देखें ये आपका। अब इसके अंदर इसकी थ्योरम में भी है, आप करना चाहें तो आप थ्योरम ये कर सकते हैं प्रमेय, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परीक्षा में पूछ नहीं जाती हैं। ये दो पेज हैं, ये देखें आप, फिर इसके बाद ये भी हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, न करना चाहें तो न करें। अब हम इसके बाद में एग्जाम्पल्स पर भी आते हैं, सीधे एग्जाम्पल आते हैं। 116 पेज पर ये देखें, ये क्या कह रहा है कि f1 बराबर 2, f2 बराबर 4, f3 बराबर 8, ये वैल्यूज दे रखी हैं f की, और f5 की वैल्यूज निकालनी है। ये देखो आप प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा बेटे, x0 बराबर 1 है, x1 बराबर 2 है, ये वैल्यूज आ गई, ये एफ एक्स मीन में कन्वर्ट हो गए, ये आ गए, और ये आपका लैग्रेंज फार्मूला ज्ञात कर दिया। ये वैल्यूज रखते जाओ, ये रखते जाओ, ये रखते जाओ, ये चलते जाओ, आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल टू है, आप आराम से ड्राइव करें। एग्जाम्पल थ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेल्फ करें। एग्जाम्पल नंबर फोर है, ये आप करें। एग्जाम्पल फाइव है, आप सेल्फ करें। एक जैसे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ये आप चलते जाएं, ये करें और ये करें। एग्जाम्पल आठवा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आठवा देखें आप, ये परीक्षा के पॉइंट है, ये अपनी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 17 में भी, तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन को। आप ये देखें, ये वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, देख। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे को ये वैल्यूज हैं, ये लैग्रेंज फार्मूला हो गया, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आप आगे बढ़ें, देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएँ आप, ये चलें, ये चलें, ये चलें। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बी का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीधा सीधा है, लैग्रेंज वैल्यू रखें, पुट अप करें और सोल्व करते चले जाएं। ये सभी क्वेश्चन करें। अब मैं बताऊं, ये मैं गोल निशान कर रखे हैं, इनको आप अवश्य करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी में आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12वां अति महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यानपूर्वक करें। और क्वेश्चन नंबर 11वां का फिफ्थ पोर्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यानपूर्वक करें, यहाँ तक आप पढ़ें। थैंक यू।